आप देख रहे हैं डीजीएनएन न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं दिन भर की खास खबरों की तरफ। पूर्ण गणवेश के साथ निकाला गया पथ संचलन। चांचौड़ा नगर में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राउंड से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गणवेश के साथ पथ संचलन प्रारंभ किया, जो कि पूरे चांचौड़ा नगर में होते हुए स्कूल ग्राउंड में जाकर समाप्त हुआ। इस दौरान हिंदू भाइयों ने पथ संचलन का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत सत्कार भी किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन पथ संचलन के साथ चलता हुआ दिखाई दिया। काफी कड़ी सुरक्षा के साथ पथ संचलन धूमधाम से निकाला गया। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। चांचौड़ा नगर में नवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चांचौड़ा नगर में मां महिषासुर मर्दिनी का मंदिर है, जो कि राजा महाराजाओं के समय का है, जो कि चांचौड़ा किले के ठीक नीचे की तरफ ही है, जहां पर नवरात्रि के समय हजारों की तादाद में माता रानी के भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इसके साथ ही नवरात्रि महोत्सव में सुंदर सुंदर झांकियां लगाई जाती हैं, जिनके दर्शन के लिए सभी भक्त प्रतिदिन आते जाते रहते हैं। साथ ही झांकियों में माता रानी के भजनों पर छोटी छोटी कन्याओं के द्वारा गरबा नृत्य भी प्रस्तुत किया जाता है तथा गरबा भी खेला जाता है। चांचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। मकसूदनगढ़ तहसील में आने वाले त्योहारों और चुनाव को लेकर शांति समिति की मीटिंग हुई। मीटिंग में राधोगढ़ एसडीएम और मकसूदनगढ़ तहसीलदार सहित सभी विभागों के मकसूदनगढ़ अधिकारी उपस्थित रहे, जिसमें कई मुद्दों पर राधोगढ़ एसडीएम ने मकसूदनगढ़ के जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से चर्चा की। आपने कहा वही मैं कह तो इसको आप थोड़ा ना दो तीन दिन बचे बिल्कुल। शांति समिति की बैठक में हमने चुनाव आचार संहिता लगी हुई है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उसके बारे में चर्चा की ताकि विधानसभा चुनाव में कोई आचार संहिता का उल्लंघन ना हो पाए। दूसरी तरफ दुर्गा पूजा इस समय चल रही है, दशहरे के दिन झांकियां विसर्जित की जाएंगी, तो उसके तहत कोई भी अव्यवस्था ना होने पाए, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना बने, इसके लिए आम जनता को ये बताने के लिए क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और किस तरह से वो आयोजन करेंगे, इसलिए ये शांति समिति की बैठक। चुनाव के बारे में जनता को क्या संदेश है? चुनाव के लिए जनता को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक अपने घरों से निकलें चुनाव के लिए 28 नवंबर को। नवरात्रि महोत्सव में दिखी झांकियों में धूमधाम। आरो नगर में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नगर में मां गायत्री मंदिर है, जो कि बस स्टैंड की झांकी, जहां पर नवरात्रि के समय हजारों की तादाद में भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहीं आज क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह भी झांकियों की आरतियों में सम्मिलित हुए। Oh,
सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और खासकर हम मेरे सामने उपस्थित आरोन क्षेत्र के, चाहे वो गांव से हो शहर से हो, हमारे सभी माता बहने, हमारे सभी भाइयों को मैं नवरात्रि की दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और दुर्गा माँ से यही प्रार्थना करता हूँ। बमोरी में निकाली गई मतदाता जागरूकता कलश यात्रा। बमोरी क्षेत्र में मतदाताओं को जागृत करने के लिए मतदाता जागरूकता कलश यात्रा निकाली गई। यह यात्रा बमोरी के 6 सेक्टरों में एक साथ निकाली गई। यात्रा के माध्यम से लोगों को अपने अपने मत के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मतदाताओं से कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। कोल्हापुरा के उपासना पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा किया गया आकर्षक गरबा नृत्य। नवदुर्गा महोत्सव के उपलक्ष्य में उपासना पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं द्वारा गरबा नृत्य का आयोजन किया गया। बजरंगड़ रोड स्थित फ्लाईओवर पर आज ट्रैक्टर और गाड़ी के आपस में टकराने से बनी विवाद की स्थिति। रोड के दोनों तरफ गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं, जिससे वाहनों का निकलना मुश्किल होता है। इसी कारण अक्सर वाद विवाद की स्थिति भी बन जाती है। आज ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर गाड़ी आपस में टकरा जाने से गाड़ी मालिकों में विवाद शुरू हो गया। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस द्वारा दोनों ट्रैक्टर और फोर व्हीलर को ट्रैफिक चौकी ले जाया गया। खाली प्लॉट में भरे पानी से परेशान है कॉलोनी वासी। वार्ड क्रमांक 22 मॉडर्न स्कूल के पीछे की कॉलोनी निवासी खाली प्लॉटों में पानी भरने से परेशान हैं। कॉलोनी में बीमारियां फैल रही हैं। कई बार कंप्लेन करने के बाद भी कोई उचित जवाब नहीं मिलता, न ही इस समस्या का कोई निराकरण अभी तक हुआ है।
अच्छा बताएंगे। अरे मेरी जान बचा रही, अब देख तुझे बोलना है स्पीच और साथ में हमें बोलना नहीं है। समस्या ये है कि ये अपना वार्ड नंबर 22 है, इसमें पानी भरा हुआ है बहुत, काफ़ी तादाद से मच्छर हो चुके हैं, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, वार्डवासी परेशान हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। दो चार बार अपन ने बोल दिया है, पार्षद जी से ही बोला है लेकिन वो भी नहीं सुनते हैं, तो सारी नाली चौक हो रही हैं, उसमें भी पानी भरा हुआ है, तो कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है वार्डवासियों को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम ओझा है। कौन सी कॉलोनी? वार्ड नंबर 22। कॉलोनी कौन सी? बंदना नगर। दौड़ता हुआ निहाल देवी के लिए निकला युवा। आज गुना से घोसीपुरा निवासी राजा यादव दौड़ते हुए मां निहाल देवी के दर्शन के लिए निकला। युवक का कहना है कि वह लगभग 6-7 घंटे में निहाल देवी माता मंदिर पर पहुंच जाएगा। और मैं यहाँ से निहाल देवी तक रनिंग करते हुए जाऊँगा, जैसा कि मैं आपको बता दूँ, मेरे को विश्वास है अपने ऊपर कि मैं यहाँ से समथिंग 6.5 घंटे के समथिंग समय लूँगा 70 किलोमीटर में, और 35 किलोमीटर में एक्सरसाइज करूँगा, इसके बाद फिर रनिंग चालू करूँगा और मैं ख़त्म कर दूँगा रनिंग। और 9 दिन में लगातार 20 बजे सुबह मॉर्निंग में दौड़ते जाता हूँ, इसलिए मैंने ये शाम का टाइम रखा है माँ निहाल देवी का। आज जो 7वां दिन है माता रानी का, और मैं आगे चलकर इंडिया के लिए मेडल लाना चाहता हूँ और अपने सोना जिले का नाम रोशन करना चाहता हूँ, और आर्मी में जाने की मेरी च्वाइस है, जैसे कि आपने देखा मिलकर ली, और ये मेरे दोस्तों का मेरे साथ फुल सपोर्ट है, और मेरी फैमिली का सपोर्ट है, और पुलिस प्रशासन का भी सपोर्ट है, क्योंकि मेरे साथ एम्बुलेंस भी यहाँ से जाएगी। गुना से बेरोजगार युवाओं को लोन का लालच देकर उनसे रुपए हड़प कर फरार हुई फाइनेंस कंपनी। श्रीराम इंटरप्राइजेज कोचर फाइनेंस कंपनी द्वारा शहर के बेरोजगार युवाओं को लोन का वादा कर उनसे तकरीबन 30 से 35 लाख रुपए झटक कर फरार हो गई कंपनी। आज ठगी के शिकार युवक पहुंचे कैंट थाने में। कोचर फाइनेंस कंपनी द्वारा उनसे लोन के एवज में पैसे लिए गए थे और उन्हें आज की तारीख दी गई थी। कंपनी के ऊपर ताला लटका मिला। कंपनी में काम करने वाली युवतियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनको केवल 2 महीने के लिए ही सैलरी पर रखा गया था। अपने साथ हुई ठगी के शिकार युवक आज इंसाफ की आस में कैंट थाने पहुंचे। अब देखना यह होगा कि क्या पुलिस उक्त फाइनेंस कंपनी के कर्ता धर्ताओं को पकड़ पाती है या नहीं। एक कोचर फाइनेंस नाम कंपनी है, लोन दे रही थी तो हमने वहाँ फॉर्म भर दिया था माजी मनी के तौर पर 25,000 समथिंग, 23,000, 715 रुपये जमा कर लिए, 2,000 रुपये अलग ऐसे करके 27,000 रुपये ले लिए, और भी काफ़ी लोग शामिल हैं इसमें, 60-70 लोग और शामिल हैं, करीबन 30 से 35 लाख रुपये का झूल करके कंपनी आज भर गई। 17 तारीख की आज देने की उनकी बात था कि आज पैसे ले लेंगे, तो बुलाया था हम लोगों के लिए। कहाँ पर थी कंपनी? जी कंपनी अपनी सिटी हॉस्पिटल के पास में, मारुति शोरूम जो है रोड पर, उसके पास में थी, गली में प्राइवेट घर का किराए के मकान में चल रही थी। अच्छा, हमने मकान मालिक से भी संपर्क किया इस बारे में, तो वो ये कहने लगा मेरा मकान के पैसे कौन ने दिया गया, और क्या बोलते हैं हमसे ही बदतमीजी बात की, फोन पर उससे बात चर्चा हुई थी, और उसमें ताला लगा हुआ है मकान में, और उसमें जो स्टाफ था वो सारा बाहर का था, कोई आसपास नहीं था लोकल? नहीं, लोकल का शायद नहीं था, 2 लड़कियां थी, तो वो भी ये कह रहे हैं हमको के नाम सैलरी बेस पर रखा गया था, उनसे जानकारी ली गई जब लड़कियों से, कह रहे 4,000 रुपये में हमारे लिए सैलरी बेस पर रखा गया था, 15 तारीख तक के लिए 2 महीने के लिए रखा गया था बस। तो करीबन कितना रुपया जमा कर दिया था? करीबन जिस समझ लीजिए 60-70 लोगों का आराम से 30 लाख के समथिंग तो जमा होगा आराम से, आइडिया से। और किसी को लंबी रजिस्टर्ड नंबर कंपनी, हमने नेट पे सर्च के देखी, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए बिलीव हो गया। नवदुर्गा दशहरा व दीपावली के त्यौहार को देखते हुए आयोजित की गई शांति समिति की बैठक। इस बैठक में शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कई इंतजाम भी किए गए हैं, पर भी यहां चर्चा की गई। जो लोग हैं,
काफी लोग आए हैं, हुई है सूचना मिली है आपको मिला था, कभी हम लोग सूचना दे पाए। अधिकतर मेन पॉइंट जो है वो सिंहवास बता रहा हूँ। सुबह 8-7 बजे तक लगभग 9-10 चांदौड़ा निवासी युवती पहुंचे एसपी कार्यालय। युवती का कहना है कि उसके गांव वाले कुछ लोगों द्वारा उसके साथ और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट व गाली गलौज की जाती है। साथ ही युवती जब कॉलेज जाती है तो उसके साथ रास्ते में छेड़छाड़ भी की जाती है। युवती के द्वारा थाने में भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकारा युवती एसपी कार्यालय अपनी फरियाद लेकर पहुंची। सर वो क्या नाम से बिगर फालतू गाली गलौज करते हैं और सर मैं कॉलेज जाती हूँ, गोविंदा मांगीलाल नन्नू तीनों मतलब की, और मैं कॉलेज वगैरह जाती हूँ जहाँ छेड़छाड़ी करते हैं मुझे, और मैं घर आके बोलती हूँ धमकी देते तेरे भाई को मारेंगे, तेरे पिताजी को मारेंगे, मेरे पिताजी गरीब है सर, मैं क्या नाम से मैं मजदूरी कर करके पढ़ा रहा है इस वजह से, और मेरे जान सन बोलते तेरे ये कर देंगे वो कर देंगे। और तो बात आने में आपने एफ आई आर करा? हाँ करवाई, कोई सुनवाई नहीं है। वो लोग कौन है? वो लोग वही रहते हैं जहाँ पे रहते हैं। और क्या बोलते हैं पुलिस वाले? क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, दोनों का मामला बराबर ही है, बोल देते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। बल्कि तो आप कॉलेज कब से नहीं गए? 2 महीना हो गया है, और बल्कि और पहले से हो 2 महीना से तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। कितने कितने लोग हैं वो जो परेशान करते हैं आपको? 3-4 है घर में, तो वो पूरे लोग परेशान करते हैं, उनकी औरतें भी करती है चलती पड़ती है, और वो लोग तो ज्यादा ही करते हैं, वो 3 लोग है। तो आप लोगों से कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है? सर कुछ भी नहीं है, हमारे पैसे थे उससे मांगा तो नहीं, बोले पैसे नहीं देंगे लड़ देंगे, यही कारण है सर। पहले ही मेरे दिए थे मतलब कि मेरे लग गई थी, पापा को लग गई थी, भैया को लग गई, मेरे पेट में लग गई थी, यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है मेरा, मतलब कि नहीं तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई तभी इन लोगों ने कुछ सुनवाई नहीं। उसके बाद में मतलब पैसे वाली बात के बाद में फिर आपके साथ छेड़छाड़ी करना शुरू? हाँ सर, और अभी थी क्या नाम से उस 9 तारीख को श्याम की जोर भी ट्रैक्टर चढ़ा के ले आया गाली गलौज की, और क्या नाम से पापा जी कुछ आने लगे घर पे तो लटमट देने लगे, पापा जी के हाथ पैर में लग गई, और हमें मतलब गाली माली रही, वो जोर से मेरा हाथ मत पकड़ लिया था तब भी नहीं। डीजियाना न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।